झारखंड के चतरा में दर्दनाक हादसे में एक पत्रकार समेत चार लोगों की मौत हो गई है। मामला सिमरिया का है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला हाईवे ट्रक की, जिसमें पत्रकार शशि सिंह समेत चार लोगों की जान चली गई। ये सड़क जाम इसलिए किए हैं कि हमारे पत्रकार साथी शशिभूषण सिंह, जो दैनिक अखबार से काम करते थे, अखबार लिखते थे, कल बीते शाम 7:30 बजे कार्य करके यहाँ से संवाद संकलन करके जा रहे थे घर, और इसी दौरान कोयला वाहन अपने चपेट में ले लिया, और जिनको चपेट में आने से ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई। और उसी के लेकर के हम लोग जो है मुआवजा के लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोगों का मुआवजा का मांग पूरा नहीं होगा, यह धरना न हटेगा और न शव। देखिए, हम लोग के यहाँ एक बड़ी दुखद घटना घटी। आप ही के पत्रकार साथी, हम लोग के साथी और मेरे तो अभिभावक तुल्य थे, शशि भूषण सिंह जी, जिनका जो है सो कोल वाहन के चपेट में आ जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई घटनास्थल पर ही। हम लोग बड़ी भारी मन से इस धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी मांग को लेकर हम लोग चाहते हैं कि उनके आश्रित जो परिवार हैं उनको एक सम्मानजनक जीवन यापन के लिए हम लोग जो भी सहायता कर पाते हैं, कर पाएंगे, इस धरने के माध्यम से करेंगे, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे यहाँ माइंस खुला, तो माइंस खुलने के बाद ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो निश्चित रोड था उसमें हजारीबाग भी था, और हजारीबाग बड़कागांव रोड होके और हमारे यहाँ से, तो इसी तरह से एक्सीडेंट होने के कारण उपायुक्त हजारीबाग उधर से ट्रांसपोर्टिंग रोड को बंद कर दिए। 12,000 से 15,000 पर डे कोयला इसी रोड से निकल रही है, लोकल सेल से, और लोकल सेल निकलने के चलते कोल वाहन की संख्या अभी आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितनी लंबी जाम है, और आए दिन बराबर किसी न किसी का दुर्घटना हो ही जा रहा है। कल का दिन तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और वहीं राज्य पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची के तुपुदाना इलाके में छुपे PLFI नक्सली संगठन का एरिया कमांडर अमर मुंडा उर्फ कांडू मुंडा को देर रात पुलिस ने धर दबोचा। उसकी गिरफ्तारी खरसी दाग ओपी के टोनको गांव से हुई। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। वहीं मोरहाबादी में दुकानें लगाने को लेकर दुकानदार एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल गुरुवार को निगम की ओर से दुकानदारों को चिन्हित जगह दिखाई गई, जिस पर दुकानदारों में असंतोष जाहिर हुआ। दुकानदार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने निगम को समय दिया है। संघ ने कहा कि निगम हमें प्राइम लोकेशन पर जगह दे ताकि दुकानदार अच्छे से व्यापार कर पाए। अभी जो जगह दी जा रही है उसमें रजिस्ट्री कार्यालय के सामने की जगह को छोड़कर बाकी जगह ऑफ लोकेशन है। संघ ने कहा कि दुकानदार मान्या पैलेस के सामने से रजिस्ट्री ऑफिस के सामने तक के स्थल के लिए तैयार हैं। 75% सहमति बन चुकी है, लेकिन निगम प्रबंधन की हठधर्मिता की वजह से वार्ता टूटने के कगार पर है। दुकानदार ऑक्सीजन पार्क के सामने से लेकर स्टेडियम के बाहर मान्या पैलेस के सामने तक दुकान लगाना चाहते हैं। वहीं दुकानदारों ने यह भी कहा कि 6 महीने बाद निगम जगह अलॉट करने की बात कर रहा है। अगर ऐसा हो तो हमें 6 महीने तक वही रहने दिया जाए जहां पहले थे। मैं बता दूं कि जो 3 जगहों पर हम लोगों को किया गया था जगह अलॉट, वहाँ में से मोरहाबादी स्टेडियम के चारों ओर जहाँ जहाँ भी JCB लग रही है वहाँ वहाँ पे आपत्ति दर्ज किया जा रहा है। मान्या पैलेस के आगे और रजिस्ट्री ऑफिस से पहले जो संगम गार्डन है उसके अपोजिट में जो जगह है वहाँ पे जो है वो ओलंपिक एसोसिएशन वालों ने जो है आपत्ति दर्ज करा दी और काम रुकवा दिया है। आखिर हम लोगों को पेंडुलम क्यों बना दिया गया? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो जगह है वहीं पर हमको दिया जाए, वहीं पर हमको रहने दिया जाए। और जब आप हमको कह ही रहे हैं कि प्रशासन की 6 महीने में दुकान बना के देंगे, तो दुकान बना के देंगे तो हम लोग हट जाएंगे वहां से। 3 साल से अपहरण मामले में फरार आरोपी अशोक बड़ाइक के घर पुलिस ने नोटिस चिपकाया है। इस दौरान थाना प्रभारी सदानंद सिंह और आशुतोष कुमार ने कहा कि आरोपी के घर में नोटिस चिपका कर आसपास के लोगों को बताया गया है कि अशोक पिछले 3 सालों से फरार चल रहा है।
वो न्यायालय में समर्पण कर दे, नहीं तो आगे कुर्की करने की कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर एसआई अंकू कुमार, एसआई आशुतोष कुमार सहित बिशनपुर थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। झारखंड के संताल समेत कई जिलों में कल से बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। राजधानी रांची के आसपास भी बारिश के साथ भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई। रांची मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की ओलावृष्टि और वज्रपात के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना कल तक जताई गई है। इसका असर संताल के सभी जिलों समेत रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में और कुछ भागों में दिखाई देगा। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ही रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 29.9 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गढ़वा के कृषि विज्ञान केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस था पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिसका विस्तार था, उसके कारण एक इंड्यूस लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में बना है और जिससे जुड़ा हुआ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि हाई मॉइस्चर फीडिंग अरेबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से, दोनों से हाई मॉइस्चर फीडिंग हो रहा है और जिसका असर आपको आने वाले अगले 24 घंटों में भी देखने को मिलेगा। अब रुख करेंगे बिहार की खबरों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रेजेंटेशन के जरिए से जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी भी साझा की है। उन्होंने सिकरहना नदी के दाएं किनारे तटबंध निर्माण का काम, बख्तियारपुर में गंगा की धार का पुनर्स्थापन काम, टाल विकास का काम, इसके साथ ही उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, उत्तर बिहार की बाढ़ और जल जमाव की समस्या समेत कई योजनाओं की जानकारी भी दी है। प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा जल योजना उद्धव की शुरुआत की गई, जिसके तहत राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं इस योजना को निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास, इसके साथ ही आवास विभाग आपस में समन्वय बनाकर तेजी से इस योजना को पूरा करें। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर अपराधियों पर नकेल कसी गई है। योगी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत कम समय में वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बनाई है, जिसमें कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब वो नहीं है, टिप्पणी करने की भी स्थिति में नहीं है। छोटे छोटे दल भी उसे कोई अहमियत नहीं दे रहे। उसकी अपनी पीड़ा है। और अरे देखिए, उत्तर प्रदेश में हम सब काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काफी बेहतर काम की है। और सबसे जो बड़ी बात इस सरकार की उपलब्धि रही कि कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफ़ी मजबूत किया है। जो अपराध तत्व हैं उसको उस पर नकेल कसा गया है और जिस प्रकार का एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। इसलिए हम सब पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं मधेपुरा के मुख्य बाजार में हुए बैंक लूट मामले में पुलिस ने दो अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी राजेश कुमार ने बताया कि डकैती में शामिल गौरव कुमार और आनंद कुमार को एक देसी पिस्टल, मैगजीन, दो गोली और दो मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दो अपराधी को पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है।
तो ये मामला आपको बता दें कि इसमें देसी पिस्टल के साथ साथ बैंक लूट में शामिल दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ मैगजीन और दो गोली भी बरामद की गई है। बैंक लूट में ये शामिल थे दो अपराधी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है जिसमें बैंक लूट में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत दिनों कुमारखंड में एक बैंक लूट की घटना हुई थी, इसके पश्चात मेरे स्तर से उसके उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधेपुरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। यह टीम लगातार काम कर रही है। दो दिन पूर्व ही इसमें शामिल दो अपराधी को गिरफ्तार करने में इन लोगों ने सफलता भी पाया। उसी कड़ी में आज एक और भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। ये वीरू कुमार हैं जो कि घटना के समय वहीं घटनास्थल पर थे। एक सूचना के आधार पर इन लोगों ने गिरफ्तार किया है जिनके पास से लोडेड पिस्टल बरामद हुई है, दो गोली के साथ में दो मोबाइल भी बरामद हुआ है। तो सूबे में पूर्ण शराबबंदी है, हालांकि इसके बाद भी अपराधी शराब तस्करी के लिए रोज नए नए तरकीब अपना रहे हैं। दरअसल पुलिस कुर्सेला NH 31 पर असम से बिहार के खगड़िया ले जा रहे एक ट्रक से लाखों रुपए की कीमत की सैकड़ों कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। सभी बरामद शराब अलग अलग ब्रांड की है और शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख से भी ज्यादा की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 14 चक्के के ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक के चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र मक्खनपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो इंटरमीडिएट के छात्र जख्मी हो गए हैं। आनन फानन में दोनों जख्मी छात्रों को स्थानीय लोगों की मदद से बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में दोनों छात्र को रेफर कर दिया है। हालांकि इस दौरान एक छात्र से इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे का इलाज पटना के PMCH में फिलहाल चल रहा है। हम लोग देते हैं, हम लोग खाना बना रहे थे, सवेरे उठा एग्जाम के चक्कर में चला आया एग्जाम देने के लिए। एग्जाम आया तब पता नहीं अब कौन गाड़ी स्टैंड मारा नहीं। अच्छा। हम लोग का जरिमानी हो गया तो हम लोग गाड़ी खोजने लगाने के लिए